दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिकॉज बाहर कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, यानी वाइड स्प्रेड हो चुका है। पिछले साल बहुत ज़्यादा टेंशन में था, इससे ज़्यादा टेंशन इस साल हो रहा है। एंड पूरे वर्ल्ड इसके वैक्सीनेशन में लगा पड़ा है, एंड इंडिया भी इसके वैक्सीनेशन में लगा पड़ा है। दोस्तों पता है हमारे वर्ल्ड में सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, इसलिए इंडिया को थोड़ा टाइम लगता है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। आप सब गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए। एंड दोस्तों आप सबको पता है सारे एरिया में वैक्सीनेशन हो रहा है, यानी सब जाते हैं वैक्सीनेशन कराने। आई होप आप भी वैक्सीनेशन कराने जाओगे, बट वैक्सीनेशन कराने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा वैक्सीन सही है कौन सा नहीं है। फॉरेन की वैक्सीनेशन लगाना चाहिए या इंडिया का जो वैक्सीन है उसमें लगाना चाहिए। एंड वैक्सीन कैसे काम करता है मैं संतोष आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत सारे कंपनी है जिन्होंने वैक्सीन निकाला है, इंडिया के दो कंपनी है जिन्होंने वैक्सीन निकाला है। सबसे पहले मैं बात बताता हूँ आपको फॉरेन के जो वैक्सीन है उसमें दिक्कत क्या है। देख लीजिए, जो फॉरेन की वैक्सीन है फाइजर है, और मान लो रशिया के जो स्पुटनिक वी है, ये मान लो ये दो वैक्सीन के बारे में पहले बताता हूँ आपको। जो फाइजर है इसमें इंडिया में क्यों दिक्कत है, वैक्सीन बहुत अच्छा है बट इंडिया में रखना इसके लिए मुश्किल है, बिकॉज इसका जो स्टोरेज कंडीशन है ये -70 to -80 degrees में रखा जाएगा। आप सबको पता है इंडिया में समर सीजन चल रहा है, समर सीजन के टाइम में -70 to -80 degrees टेम्परेचर करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो फाइजर है उसको रखना बहुत मुश्किल है। एंड स्पुटनिक भी कंडीशन सेम है, हमें उसके लिए स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं इंडिया की जो वैक्सीन है इनमें से बेस्ट कौन है। इंडिया में मेनली दो वैक्सीन है, एक है कोवैक्सीन दूसरा है कोविशील्ड, इनमें से बेटर कौन सा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोवैक्सीन के बारे में। दोस्तों जो कोवैक्सीन है ये मेनली बनाया जाता है डेड कोरोना वायरस, यानी जो कोरोना वायरस पहले से मर चुके हैं उनके वायरस से बनाया जाता है, एंड उसको हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारा जो सेल्स है इम्यूनिटी सिस्टम है उसके साथ फाइट करे एंड उससे इम्यून ज़्यादा हो जाए, यानी इतना स्ट्रांग बन जाए वो आगे जब भी कोई कोरोना वायरस आएगा उससे लड़ सकें। तो सबसे पहले क्या किया जाता है ना, डेड कोरोना वायरस से जो दवाई बनाया जाता है कोवैक्सीन, उसको हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, हमें थोड़ा बुखार आता है, फटीग फील होता है, और कोई रीज़न नहीं है। उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे ही कोई कोरोना वायरस ओरिजिनल कोरोना वायरस स्ट्रांग कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंट्री करता है, ये इसके साथ फाइट करते हैं एंड उसको आगे जाने नहीं देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। दोस्तों ये डोजेस दो बार लगता है, एंड बताता हूँ इसको रखने की स्टोरेज कंडीशन 2 degrees Celsius to 8 degrees Celsius हो सकता है। दैट मीन्स हम बहुत आसानी से इसको रख सकते हैं, इसके कोई भी नुकसान नहीं है। एंड दोस्तों ये 100 में से 80% इफेक्टिव है। दोस्तों ये था कोवैक्सीन के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कोविशील्ड के बारे में। जो कोविशील्ड है ये वीक कोरोना वायरस से बनाया जाता है, दैट मीन्स कोवैक्सीन जो था वो डेड से बनाया जाता था, बट ये किससे बनाया जाता है ना, वीक कोरोना वायरस से बनाया जाता है। इसके साथ लड़ने के लिए जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा पोटेंशियल लगता है, जिसके वजह से ये और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम और ज़्यादा डेवलप हो जाता है। जैसे ही कोई न्यू कोरोना वायरस हमारे बॉडी में एंट्री करता है ओरिजिनल कोरोना वायरस, उसको ये डीएक्टिवेट कर देते हैं। दोस्तों अभी आपको पता चल रहा होगा जो कोवैक्सीन था उसमें डेड कोरोना वायरस से होता था, एंड जो कोविशील्ड है ये किससे होता है ना, वीक से। इसलिए कोविशील्ड जो है ज़्यादा इफेक्टिव है, इसका भी स्टोरेज कंडीशन सेम है 2 degrees to 8 degrees Celsius। एंड दोस्तों आप सुन के हैरान हो गए, इसका जो इफेक्टिव रेट है दैट मीन्स ये जो काम करेगा बहुत ज़्यादा काम करेगा, दैट मीन्स 100 में से 90% ये इफेक्टिव है। अब आप सोच सकते हो कोवैक्सीन जो था 80% इफेक्टिव था एंड जो कोविशील्ड है 90% इफेक्टिव, तो आप सोच सकते हो आपको कौन सा लगाना चाहिए। एक बार लगाने से पहले सोच लेना कि कोवैक्सीन लगाना है या कोविशील्ड लगाना है, बट मेरे हिसाब से आपको कोविशील्ड लगाना चाहिए बिकॉज ये 90% इफेक्टिव है एंड ये वीक सेल से बनाया जाता है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद है, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना एंड कमेंट जरूर करना आपको कौन सा लगाना चाहिए कौन सा नहीं लगाना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।